Congress party, which has been talking and making a lot of tall claims with respect to being the savior of the constitution, the vanguard of the constitution, I wanted to give you a bit of backstory, a bit of history. Back in 1967, the first gentleman who won as an independent in Haryana Assembly, his name was Gayalal. He was the first person in India to have defected after winning on as an independent MLA. He had defected to Congress party within a few days after the election. That's when the whole name Ayaram Gayaram culture, वो गयालाल जी के नाम से ही गयाराम आया, फिर गयाराम जब तीसरी बार तीन बार इधर उधर बदले तो आयाराम गयाराम का कल्चर हिंदुस्तान में अगर किसी ने इंट्रोड्यूस किया तो वो थी कांग्रेस पार्टी 1967 टू बी प्रिसाइज। उसके बाद सेम कांग्रेस पार्टी जब उनके साथ उनके एमएलए को किसी और ने छीना 1985 में, सेम कांग्रेस पार्टी अंडर द लीडरशिप ऑफ द देन प्राइम मिनिस्टर राजीव गांधी हैड इंट्रोड्यूस्ड व्हाट इज कॉल्ड एज द एंटी डिफेक्शन लॉ। एंटी डिफेक्शन लॉ को इंट्रोड्यूस भी कांग्रेस नहीं किया, आयाराम गयाराम कल्चर को भी इंट्रोड्यूस कांग्रेस नहीं किया देश में। और आज मैं आपको दो चार चीज दिखाना चाहता हूँ तेलंगाना के बारे में, आपको एक दो चीज मैं दिखाना भी चाहता हूँ और उसके बारे में बात करना चाहता हूँ। कांग्रेस पार्टी को काफी मौका दिया तेलंगाना की जनता ने, आंध्र प्रदेश की जनता ने 2014 से पहले, करीब करीब 50 साल 55 टू बी प्रिसाइज, दे हैव बीन गिवन एन अपॉर्चुनिटी टू रन द गवर्नमेंट इन आंध्र प्रदेश, अर्स्टवाइल आंध्र प्रदेश, ऑलमोस्ट 9 टाइम्स। और बहुत मतलब नाइंसाफी के बाद, बहुत अन्याय के बाद, कांग्रेस पार्टी की गद्दारी के बाद तेलंगाना की जनता ने आंदोलन पथ लिया। अल्टीमेटली 2014 में तेलंगाना बनाना ही पड़ा कांग्रेस पार्टी को, तब जाके तेलंगाना बना। और पिछले 10 साल श्री के चंद्रशेखर राव जी के लीडरशिप में हमारी पार्टी ने तेलंगाना में सरकार हुकूमत चलाई, सरकार चलाई। और जो हाल ही में इलेक्शन हुआ 2023 में नवंबर में, हमारी हार बहुत कम वोटों से, केवल 4 लाख वोटों की फर्क से हम हार गए और कांग्रेस सत्ता में आई। और कांग्रेस सत्ता में यूं ही नहीं आई, कांग्रेस ने ऐसे ऐसे वादा किया तेलंगाना की जनता को, मैं दिखाना चाहता हूं आपको। 6 गारंटी की बात की गई थी, 100 दिन में पूरे करेंगे 6 गारंटी राहुल जी के नाम पे, आज के जो मुख्यमंत्री हैं उनके दस्तखत के साथ, उनके सिग्नेचर के साथ, आज के जो डिप्टी चीफ मिनिस्टर है उनके सिग्नेचर के साथ, राहुल जी, सोनिया जी, मल्लिकार्जुन खड़गे जी के तस्वीरों के साथ वादा किया गया था कि 100 दिन में हर कोई एक वादा जो 6 गारंटी अमल करेंगे, महालक्ष्मी, रैतु भरोसा, इंदिरम्मा मकान, चेयूता, गृह ज्योति, युवा विकासम, इसके तहत उन्होंने कहा कि हर गरीब मकान में 2,50,000 रुपया एक सालीना आपके पास हम देंगे। एक ईस्टमन कलर वाली जबरदस्त सिनेमा दिखाया कांग्रेस ने तेलंगाना की जनता को, और बहुत कुछ कहा उन्होंने, ना सिर्फ ये बल्कि बहुत कुछ कहा, वादा किया तेलंगाना की युवाओं से कि आपको 2 लाख नौकरियां मिलेंगी पहले ही साल में। स्वयं राहुल गांधी आए हैदराबाद, वहां की युवा से मिले, उनको आश्वासन दिया कि 2 लाख रोजगार, 2 लाख गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट रिक्रूटमेंट विल बी कंप्लीटेड विद इन द फर्स्ट ईयर आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ कांग्रेस गवर्नमेंट। उन्होंने ये भी वादा किया कि एक जॉब कैलेंडर रिलीज करेंगे, डेट के सहित आपको हम जॉब कैलेंडर देंगे और एक साल में 2 लाख गवर्नमेंट रिक्रूटमेंट कंप्लीट करेंगे। वादा तो ये भी किया गया था जैसे ही कांग्रेस आती है पहले ही दिन जो खेती के लोन होते हैं, क्रॉप लोन, 2 लाख तक का पूरा विद 1 पेन स्ट्रोक ऑन December 9, 2023 हम क्रॉप लोन भी वेव कर देंगे। साथ ही साथ बहुत कुछ कहा गया, बस मैं ये 2-4 चीज आपके जहन में लाना चाहता हूं। 420, एक नहीं दो नहीं, 420 वादे किए गए कांग्रेस की तरफ से तेलंगाना जनता को। आज 7 महीने पूरे हो गए कांग्रेस की हुकूमत बनके तेलंगाना में, एक भी वादा आज तक पूरा नहीं हुआ, एक भी वादा आज तक पूरा नहीं हुआ।
छह गारंटी तो गायब हो गए। अभी क्या हो रहा है तेलंगाना में, मैं आपको ये बताना चाहता हूं। छह गारंटी भूल गई कांग्रेस, पर छह हमारे एमएलए ले गई, छह हमारी एमएलसी ले गई और एक राज्यसभा एमपी को भी ले गई। हमें इस बात से कोई खेद नहीं, बट अजीब सा लगता है जो आदमी आज अपने आप को संविधान के रक्षक मानते हैं, जो आदमी अपने आप को संविधान के प्रतीक मानते हैं, वो जब संविधान को बेरहमी से एक्सप्लॉइट करते हैं और इसकी बेइज्जती करते हैं, तो इस बात को दिल्ली में बताना हर किसी को, इस देश की हर युवा को, इस देश के हर शख्स को बताना हमारी जिम्मेदारी है। इसलिए हम आज दिल्ली आ गए। भाइयों, मैं याद दिलाना चाहता हूं आपको, बार बार कांग्रेस कहती है कि बीजेपी की पॉलिटिक्स जो है इमोरल है। जब भी कोई एमएलए डिफेक्ट करता है कांग्रेस से बीजेपी में, तो कांग्रेस बार बार कहती है कि बीजेपी इमोरल पॉलिटिक्स प्ले करती है और ये गलत है। मैं आपको उदाहरण देता हूं, एग्जाम्पल देता हूं। ये देखिए, कांग्रेस गोवा में, स्वयं राहुल गांधी गए अप्रैल 2022 में और वहां जितने कांग्रेस के उम्मीदवार थे उनसे शपथ दिलवाया। उन्होंने कहा कि जो भी कांग्रेस के टिकट से लड़ेगा, जीतेगा तो कांग्रेस में ही रहेगा। ये शपथ स्वयं राहुल गांधी ने दिलवाया था 2022 में। और कर्नाटक में जहां उनकी गवर्नमेंट है, वहां के चीफ मिनिस्टर कहते हैं कि एक एक एमएलए को 50 करोड़ देके बीजेपी खरीदने की कोशिश कर रही है। सिद्धरामैया जी, जो कि कांग्रेस के चीफ मिनिस्टर है कर्नाटक से, वो कहते हैं कि 50 करोड़ देके एक एक एमएलए को खरीदने की कोशिश चल रही है। बाला साहेब तोरट, जो कांग्रेस के चीफ हैं महाराष्ट्र के, वो कहते हैं कि साम दान भेद दंड, ये चारों चीज की प्रयोग हो रहा है महाराष्ट्र में, जहां कांग्रेस एमएलए को लेने की कोशिश कर रही है बीजेपी और शिवसेना एकनाथ शिंदे वाली पार्टी। ये बाला साहेब तोरट का कहना है। और हरियाणा में अजीब सी बात है, हरियाणा में जहां आप देखेंगे उनके एक एमएलए कांग्रेस की किरण चौधरी, जो कांग्रेस के टिकट से जीती और बीजेपी में शामिल हो गई, उनकी डिस्क्वालिफिकेशन के लिए आज भी कांग्रेस पार्टी लड़ रही है और उसको लेके कोशिश भी कर रही है। और सबसे अहम बात मैं आपसे कहना चाहता हूं, आज कांग्रेस पार्टी स्वयं मणिपुर में, जब उनके एमएलएस मणिपुर में डिफेक्ट कर गए, एक आदमी थे एमएलए श्याम कुमार, जिन्होंने जीते तो वो कांग्रेस में थे, बदल गए बीजेपी में और उसको लेके कांग्रेस ने काफी लड़ाई की और अल्टीमेटली स्पीकर ने यह तय किया कि जो भी अगर डिफेक्शन होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट लैंडमार्क जजमेंट है। 2020 में सुप्रीम कोर्ट की 3 जज बेंच, जस्टिस नारीमन, जस्टिस अनिरुद्ध बोस और जस्टिस राम सुब्रमण्यम की 3 जज वाली बेंच ने एक फैसला लिया था मणिपुर वाली केस में, जहां के पीसीसी अध्यक्ष, प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष केशव मेघचंद्र सिंह ने पिटीशन फाइल की थी सुप्रीम कोर्ट में श्याम कुमार जी के खिलाफ, और सुप्रीम कोर्ट ने यह जजमेंट दिया कि स्पीकर को 3 महीने के अंदर तय करना चाहिए डिस्क्वालिफिकेशन पिटीशन में। यह जजमेंट आया 2020 में, उसको लेके जजमेंट की कॉपी भी मैं आपको दे सकता हूं। उसको लेके आज श्याम कुमार जी को डिस्क्वालिफाई किया गया और उनको पद से हटाया गया। और हाल ही में जो एक किस्सा हुआ हिमाचल प्रदेश में, जब अभिषेक मनु सिंघवी जी कांग्रेस के राज्यसभा के उम्मीदवार थे, तो वहां के 6 लेजिस्लेटर कांग्रेस के बीजेपी को वोट दे दिए और राज्यसभा वाली इलेक्शन में, उसके खिलाफ भी आज कांग्रेस हिमाचल में आज लड़ रही है। मैं इसलिए पूछना चाहता हूं, जब आपके साथ गोवा में इलेक्शन होता है तो आप शपथ दिलवाते हो आपके लेजिस्लेटर से कि आप दल बदलेंगे नहीं, जब आपके मणिपुर के एमएलए कांग्रेस वाले बीजेपी में शामिल हो जाते हैं, आप सुप्रीम कोर्ट जाते हो, लड़ते हो और उसके खिलाफ ऑर्डर लाते हो, जब कर्नाटक में आपके चीफ मिनिस्टर स्वयं कहते हैं कि 50 करोड़ की खरीदारी हो रही है आज एमएलएस की, कांग्रेस वाली एमएलएस की बीजेपी के जरिए, तो उस बारे में भी आज राहुल गांधी उसको सपोर्ट करते हैं।